गुड आफ्टरनून क्लास, आज हम डिस्कस करते हैं प्रोग्राम 11, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट फर्स्ट एन प्राइम नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो कि वन की टेबल से और सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब आपके पास जो सपोज करो, फॉर एन एग्जाम्पल, टू इज अ प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर है, टू एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ओड मिलते हैं, 3, 5, 7, 11, सो ऑन, दिस ऑल आर द प्राइम नंबर। हमें फर्स्ट एन प्राइम नंबर को जनरेट करा रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो वही आपका क्या तरीका रहता है, अदरवाइज कोई नंबर प्राइम कब होता है? व्हेन इट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, अदरवाइज द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। बट रिमेम्बर क्लास, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, यानी टू है जैसे हमारे पास प्राइम नंबर, तो टू के दो फैक्टर है, वन और टू। आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, सपोज फोर इज अ कंपोजिट नंबर, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? फोर अपनी टेबल से, टू की टेबल से, जो है वन की टेबल से डिविजिबल है, इसके थ्री फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट है हमारे पास। जो लेकिन वन है, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके दो फैक्टर नहीं मिलते। हम कहते हैं कोई नंबर प्राइम कब होगा? जब वो वन से इटसेल्फ से डिवाइड होगा, इसमें एक ही फैक्टर मिलता है, जिसके एग्जैक्टली टू है वो प्राइम नंबर है, जिसके मोर देन टू है कंपोजिट है, वन का खुद अकेला वन ही फैक्टर है, दैट्स वाई इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इस वजह से जो है, यहां से हमने अपने लूप को, जे को जो हमने इंट कराया है, हमने क्या कैसे किया है अपने प्रोग्राम को स्टार्ट, वही सबसे पहले हेडर्स फाइल दी है, तीनों हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच एंड हैशटैग इंक्लूड मैट डॉट एच। फिर हमने यहाँ पर इंटीजर्स जो है, हमने कौन कौन से लिए हैं, एन जो आपका एन क्या क्या वेरिएबल है, जो आप नंबर ऑफ प्राइम नंबर जितने चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, एक हमने काउंट को 1 लिया है, एक फ्लैग हमने इंट्रोड्यूस कराया है, वर्ड आई इज इक्वल टू 2, j टर्मिनेट कर दिया है स्टेटमेंट। फिर हमने यहाँ पर प्रिंट एफ मैसेज दिया, हमके पास ये मैसेज आएगा जब आप रन करेंगे, एंटर हाउ मेनी प्राइम नंबर, स्कैन एफ रीड होगा, जो भी प्राइम नंबर एंटर करें, सपोज एन को 3 एंटर करा है, ये रीड होगा। और हमने जे से इसलिए 2 से शुरू करा है लूप को अपने, कि आपको पता ही है कि 1 से तो हर नंबर डिविजिबल है। इसमें बेसिकली हम क्या कंसेप्ट लगाते हैं, सपोज करो आपके पास, हमने ले लिया एन को 11 ले लिया, फिर पहले हमने देखना, जो हमने नंबर लिया यानी कि हमने फर्स्ट 11 प्राइम नंबर्स हमें चाहिए, तो पहले कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, 11 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 11 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ले रहा है, ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, हमने यहाँ पर लेके चले थे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ऐसे आता है 5.5, ये हो गया फ्रैक्शनल, हम इसकी सिर्फ इंटीजर वैल्यू काउंट करते हैं, तो ये 5 आएगा। अब जो 5, यानी कि इसका एक तरह से हाफ कर लिया, फिर 5 तक के हम 11 को डिवाइड करेंगे, 5 तक के 2 से करेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 3, 11 डिवाइडेड बाय 4, 11 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 2 से लेकर 5 तक सारे नंबर से 11 को डिवाइड करके देखेंगे, किसी नंबर से नहीं हो रहा डिवाइड, तो इसका मतलब 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर किसी नंबर से सपोज डिवाइड हो रहा होता 11, और आपके पास जैसे सपोज अगर मैं 11 की जगह 12 लेती, तो 12 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 आपके पास 3 से भी हो रहा है, 12 4 से भी हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा, 6 से भी हो रहा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, तो 12 2 3 4 5 किसी से भी नहीं हो रहा है आपके पास डिवाइड, तो आपको 11 एक प्राइम नंबर मिल जाएगा। फिर जो ये नेक्स्ट नंबर उठाएगा, 12 उठाएगा, क्योंकि 12 हो रहा है डिवाइड, तो 12 प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जहां आपको जिसके लिए रिमाइंडर 0 मिल गया, वहीं आपका ब्रेक हो जाएगा, गो टू एंड चले जाएंगे, अदरवाइज काउंट प्लस प्लस इसमें प्लस एड करता जाएगा, नेक्स्ट नंबर के लिए लूप चलेगा, जैसे एन 11 के, अब आपके पास 1 to 11 फर्स्ट आपने उठाने हैं नंबर की, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, सपोज करो हमारी एन की वैल्यू है 4, तो 4 का आपने एन की वैल्यू 4 है, यानी कि आपके पास फर्स्ट 11 आपने प्रिंट कराने थे, जिसमें अभी आप 4 तक पहुंचे हैं, तो आपका ये लूप एग्जीक्यूट होगा, देखेगा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो एंड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपने इसको कमांड दे रखी है, एंड फिर आपके पास गेट सी एच रिटर्न 0। आउटपुट में क्लास आपके पास क्या रहेगा, जैसे कि एंटर हाउ मेनी प्राइम नंबर, 10 एंटर कराएंगे तो आपके पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स एंटर हो जाएंगे।